हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो का कस्टमर केयर नंबर क्या है एंड किस तरह से आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ओप्पो का फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर आप इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह से आप ओप्पो की कस्टमर केयर एजेंट से बात कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है ओप्पो कस्टमर केयर नंबर। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है, देन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस, आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसके थ्रू आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनको डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक कॉलिंग नंबर प्रोवाइड किया गया जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800103277। दोस्तों, इस नंबर पर जैसे आप कॉल करेंगे यहाँ पर आपको IVR के कुछ ऑप्शंस को फॉलो करना है। टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मंडे टू संडे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर को पता करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नज़दीकी सर्विस सेंटर पता चलेगा। नज़दीकी सर्विस सेंटर फाइंड करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को लेकर वहां पर विजिट कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है यहां से आप चेकआउट करा सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप ओप्पो की कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहें। तो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।